के अवसर पर आयोजित वंचित शोषित जागरण महारैली कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच पे विराजमान हमारे बड़े भाई परिवहन मंत्री माननीय दयाशंकर सिंह जी, जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत करिए। मंच पे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, जोरदार ताली बजा के उनका भी स्वागत करिए। और मंच पे बैठे हुए नेतागण, गायक साथी, सामने फैसला देने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण, हमरे संगे एक नारा लगावा तो हम बताएं। हम बोलब महाराजा सल्ली सिंह अमर रहें, तो आप बोलेंगे अमर रहें, अमर रहें। महाराजा सल्ली सिंह अमर रहें। ये आगे वाले बोलत हो, पीछे वाले धीरे से बोलत है ना? ताव से बोला, महाराजा सल्ली सिंह अमर रहें। एक नारा सिखौले रही कि अपन इतिहास जाने बदे हम बार बार समझाइला कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। यहाँ जितने लोग आए हो, हम तो समझते हैं कि लगभग ज्यादा गांव में हम आपके जा चुके हैं। जितने लोगों के गांव में हम जा चुके हैं, जरा हाथ उठाओ। मंत्री जी ये देखिए हम इनके गांव तक जा चुके हैं, ऐसे नहीं है आए हैं। आप यहां बताओ, हम देखो भाषण आज तो कम देंगे लेकिन राशन जरूर देंगे। बोलो किसको किसको राशन चाहिए? नहीं, अब आगे देखो, अब आगे देखो, बात सुनो। जब मैं आपके बीच में जब आया, मैंने सुना कि यहां पूरे प्रदेश में अर्कवंशी को कोई जानता नहीं। बोलो सही बात है गलत है? आपकी पहचान बनाने में ओम प्रकाश राजभर ने मंत्री पद तक को त्याग दिया। बोलो त्यागा कि नहीं त्यागा? तेरे गांव गांव घूम करके तुझे जगाया और मैंने अपने वचन पे कायम रहा। और समाजवादी पार्टी ने कहा कि नहीं, मुझे अर्कवंशी पसंद नहीं है, मैं उनके साथ था। यही हरदोई की सीट है संडीला, संडीला सीट पर जब मैंने अर्कवंशी को लड़ाने की पेशकश किया तो लखनऊ में बैठ करके अखिलेश यादव जी ने दूसरी जाति का प्रत्याशी घोषित कर दिया। मैं संडीला आकर के प्रेसवार्ता करके सुनील अर्कवंशी का घोषणा कर दिया। बोलो सही है गलत है? और सपा के लोग किस मुंह से बोलते हो यार? कभी अर्कवंशी याद आया तेरे दिमाग में? वोट मांगोगे, वोट लोगे? घबराओ नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं। मैंने कहा था कि विधानसभा में अर्कवंशी जीत के जाएगा। बोलो कहा था कि नहीं कहा था? हमने नहीं किया, लेकिन हमारे बड़े भाई माननीय दयाशंकर सिंह जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर दिया और जीता करके वो लखनऊ की पंचायत में पहुंचा दिया। बोलो पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया? हमारे मनोज जी हैं, हमारे तमाम नेता यहां हैं। लोग कहते थे साहब प्रमुख नहीं बन पाते, हमने कहा मैं आया हूं और विधानसभा में हाजिरी लगवा के दिखाऊंगा। और आज जब अर्कवंशी का बेटी विधानसभा में पहुंची तो मेरा भी सीना ऊंचा हुआ कि मेरी लड़ाई अब आगे मुकाम पाने वाली है। बोलो पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया? पहुंचा दिया। अब क्या चाहता हूं, एक नारा आप लोगों से मैं सिखाता हूं, लेकिन आप देखते हो किसी को तो भूल जाते हो। हमने कहा था ना कि नारा अपने बाप को बाप कहो, जय अर्कवंश का नारा सिखाया था ना? बोलो देखो, हम कुछ करते हैं तो उसके पीछे कुछ होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? अब देखो आगे खेल, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ आए तो सबसे ज्यादा अगर कोई के पीड़ा हो, कोई के तकलीफ हो, कोई के बीमारी पकड़ ले हो, तो उकर ना हो समाजवादी पार्टी। बोलो सही है गलत है? हम तो चाहते हैं जे लोग आयल बा, माननीय नरेंद्र मोदी जी रोहिणी आयोग का गठन किया, जवन 27% आरक्षण पिछड़न का हिस्सा समाजवादी पार्टी लुटले हो चार
वो लुटाई का जवाब देवे बदे ओम प्रकाश राजभर 27% आरक्षण को माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बंटवाना चाहता है। 7, 9, 11 7% मजबूत, 9% उससे कम मजबूत, 11% सबसे कमजोर जोने में हमने भाई जोने में हमने आईला 100 दरोगा की भर्ती होगी तो 100 में 11 दरोगा अर्कबसी बंजारा बहेलिया राजभर चौहान पाल प्रजापति का बेटा होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। वो कानून पास कराने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा हूं। बताओ सही है कि गलत है? कितने लोगों को सही है? दोनों हाथ उठाओ, सही है ना? तो इस सपाई की काहे पीड़ा थे? 4 बार इन्होंने का सरकार रहा ना, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी थे। कान खोल के सुन लो अखिलेश जी, तूने हम लोगों का हिस्सा लूटा है, अब वोट की तरफ देखने की कोशिश मत करना, नहीं ये ओम प्रकाश राजभर शंकर भगवान का पुजारी है, इधर मुड़ के देखने की कोशिश मत करना, हम शंकर भगवान के पुजारी हैं, हमारे झंडा का रंग पीला है। मन बना के श्राप दूंगा तो पीलिया हो जाएगी, तब तक नहीं ठीक हो जब तक कि झंडा नहीं पकड़ोगे, नहीं तो कायदे से होश में रहा। हिस्सा देवे कोई तब तोरे ना लौकी, वोट लेवे कोई तब आरक लौकेगा, अर्कबंशी लौकेगा, बंजारा दिखाई देगा, बहेलिया दिखाई देगा, पाल दिखाई देगा, प्रजापति दिखाई देगा, चौहान दिखाई देगा, गुण खरवार दिखाई देगा। हिस्सा देना होगा तो हम नहीं दिखाई देंगे, इस नाते आपसे कह रहा हूं। यहां तो कुछ नहीं है, ये तो एक झांकी है, अभी पूरा खेल बोलो सही है कि नहीं? अरे तो मैदान का बा, ये तो छोट का बा, हम तो कहते खाली एक विधानसभा गोपा मऊ विधानसभा के खाली अर्कबंशी चल दे तो यहां खड़ा होकर जगह नहीं मिली। बोला सही हो? संडीला छोड़ दा, हिया का जोन और विधानसभा छोड़ दा, खाली एक विधानसभा का बात करे थे, लेकिन हमने का गिनती ना रहा, लेकिन आपने थोड़ा साथ दिया, हमने थोड़ी मेहनत किया, हमने गुलामों को गुलामी का एहसास करा दिया कि जब आपने पीला झंडा टांगा तो सबसे ज्यादा पीला था तो के समाजवादी पार्टी। गबरा मत, 47 रहला हम चल गई ली, 125 पहुंचा देली, हम तोरे संगे चल गए ली, 125 पहुंचा देली, और तुहार संग छोड़ दे ही सोच ले हा उत्तर प्रदेश में खाता न खुली। काम शुरू बा, हम भीतर भीतर काम करीला। मध्य प्रदेश में देखला ना अखिलेश जी का बोलो गठबंधन के लिए हुआ कांग्रेस से, कहना चालू पार्टी है, एक वोट मत दे है, एक वोट मत दे, जब हमार ना भाई तो तुहार का हुई के कहता अखिलेश जी कांग्रेस वाले का कथमन, कांग्रेस वाले का तो समाजवादी पार्टी भी टीम हो भाजपा के जितावे का काम करत हो, कांग्रेस वाले को अथमन हमहू कहते कि हम तो भैया दया शंकर सिंह जी की यहां सट के मोदी जी के प्रधानमंत्री बनावक थी, अब अखिलेश जी हट के सहयोग करत हुआ 24 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनावे का हट के देख ला नहीं का नेता प्रोफेसर राम गोपाल जी का बयान कि मोदी जी का जादू चलल है, 3 गो जीत गए 3 स्टेट, जब जादू चली तब राम गोपाल जी कहां रहा उधिया जाइबा पता न लगी, ये अभी तो शुरुआत बा, ये तो खाली हम लोग एक बार हम आए थे कहीं कार्यक्रम था तो आप लोगों से कहा कि चलो कुछ हलचल किया जाए, आज हम लोग आ गए हैं, अब पूरा हरदोई नहीं लखनऊ गरम बा। कल गए थे मैनपुरी, रात को पहुंचा 6 बजे, अब आपको बता दूं रात को कम से कम 4,000 लोग बैठे रह गए और गांव के लोग जो आसपास के लोग तो चले गए। मैं गया मैंने पूछा कि बताओ जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आपसे मैंने वादा किया था कि 50% महिलाओं को आरक्षण दिलाऊंगा, और हम लोगों ने बनारस आजमगढ़ मंडल, बनारस मंडल, फैजाबाद मंडल, बस्ती मंडल, देवीपाटन मंडल, गोरखपुर मंडल,
हम लोगों ने 8 मंडलों में महिला सम्मेलन किया, 15-15 20-20 हजार अकेले महिलाओं को जुटा करके जब सम्मेलन शुरू किया तो याद आया कि महिलाओं का हक। और जो काम समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर नहीं कर पाए, उस काम को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ललकारा कि हाँ खबरदार चलो इधर, तो सब लोग वोट दे दिए। महिला बिल पास, 33% आरक्षण पास। बोला पास होगल कि ना होगल, अब आपसे कह रहा हूं, माताएं बहने आपसे भी कह रहा हूं और नौजवान बुजुर्गों आपसे कह रहा हूं, 100 MLA जब आगे 5 साल के अंदर कानून पास हो गया, सीटें आरक्षित होंगी आपके जिले में, हमारी बहन बेटियां जीत के विधानसभा लोकसभा में जाएंगी। जो हमारी आपकी बहन बेटियां पढ़ लिख रही हैं, उनको भी माइक पर ले आओ, उनको भी रिहर्सल कराना शुरू करो ताकि उनको भी MLA बना करके हम भेजने का काम करें। इस काम में कभी कोताही मत बरतना, इस काम को करो। जो काम कांग्रेस ने नहीं किया, सपा बसपा ने मिलकर नहीं किया, उस काम को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक झटके में 33% आरक्षण महिलाओं को लागू कर दिया। बोलो लागू कर दिया कि नहीं कर दिया? अभी सपाई काहे परेशान हुआ, ये परेशान हुआ कि बिचवा में मैंने लूटत रही है। आप बतावा आज के 10 साल पहले बिजली मिलत रहे इतना, 10 साल पहले गांव में बिजली जात रहल, अब बिजली मिलत हो कि ना मिलत हो? बोला के मिलत हो तो हाथ उठावा जेके जेके बिजली घरे तक जाता जाता ना। यह पीड़ा था सपा वालन के कि का कराए गरीबन की हन जाता बिजली, उस सफाई में खाली रह तक ठीक रह, वो खाली सफाई रह, लेकिन ओम प्रकाश राजभर सफाई में जौन तार जोड़त रह लाइन मैन और जे एक्सियन उसे कह दिली कि इधर जोड़ दे, अब इधर चल नौकरी करे के हो तो इधर जोड़ गरीबन की हाँ, और नहीं तो फिर तो होंगे घरे भेजवा दे बायन भैया दया तक करते। ऐसा ना बा जो कोई काम, हम आपसे कहना चाहता हूं साथियों कि देखो बात तो बहुत है, सिर्फ लड़ाई एक बात का है, ये देश में हमने है तो हमहनों के हिस्सा मिले के हिस्सा का बा, जब तक हमने प्रण किया है तेरे हरदोई में अर्कवंशी का बेटा, आरक का बेटा, रजवार का बेटा, राजवंशी का बेटा, खंगार का बेटा, बंजारा का बेटा, बहेलिया का बेटा, नाई गुण कुमार पाल प्रजापति का बेटा, जब तक तेरे जिले में सिपाही और दरोगा नहीं पहुंचा दूंगा तब तक ओम प्रकाश राजभर चैन से नहीं पहुंच बैठेगा। वोट हमारा, वोट हमने का बा। अखिलेश जी सपा वाले लोगों पीरा था, कहे पीरा था जो लुटले हुआ? आप बताओ 5 साल अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहन, एको और बंसी के दरोगा बनौले हुए का? बोला पूरा हरदोई में एको दरोगा हूं अर्कबंशी, बंजारा बायन, बहेलिया बायन, पाल प्रजापति कुम्हार नाई गोड़ बायन, वोट तो चाहिए, हिस्सा के लुटलस? 27% आरक्षण 1993 में लागू भयल बा कि हर जाति के बेटा बेटी को पुलिस की भर्ती में 27% पिछड़ों को हिस्सा दे करके उनको भी सिपाही दरोगा बाबू चपरासी तहसीलदार बनाया जाए। आप चले जाओ, हम तो चुनौती देता हूं अखिलेश जी को, डिबेट करा लो, 1531 थाने हैं, मेरी बात अगर गलत साबित कर दोगे 1531 थाने में एक थाना चुन लो, एक थाना चुन लो, अगर 25 का स्टाफ है तो 8 से 10 यादव का बेटा सिपाही होगा। किसने भर्ती किया? बोलो किसने भर्ती किया? अखिलेश यादव किस मुंह से वोट मांगने आते हो? हिस्सा देना होता तो नहीं दिखाई देते, वोट लेना होता तो हम दिखाई देते हैं। हमारी लड़ाई इसी बात को है कि तूने हमारा हक लूटा है, हम अपने हक के लिए निकले हैं। मुझे जो भी आएगा हम बोलेंगे, तुझे दर्द हो तो दर्द हो, हम तो बात कहूंगा खर्रा गोली चले चाहे। बोलो हम गलत बोल रहे हैं? हिस्सा लुटले हुए कि ना लुटले हुए? आप चले जाओ, आप चले जाओ हॉस्पिटल में वार्ड बॉय मिलेंगे, आप चले जाओ नर्स मिलेंगे, हम कहां खड़े हैं? आप चले जाओ तहसील में, आज जाके देखो लेखपाल, भारे अखिलेश यादव
भारत समाजवादी पार्टी हमारे भी बीच में अर्कवंशी बंजारा बहेलिया खंगार पाल प्रजापति कुमार राजभर चौहान इनके भी बेटे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट एलएलएम पीएचडी करके बेकार घूम रहे हैं। तूने भर्ती क्यों नहीं किया इनको? जाति चीन के काम करोगे तो जतिया वोट दे ही हो नोट कर जा। जब मुसलमानन के ना भैलन हमरे इजहार भाई आई हमन जोरदार ताली बजा के स्वागत कराई इजहार। ये लोग जब दुआर पूजा लगा ला शादी ब्याह में तब मुसलमान भाई बाजा बजा वाला बहारों फूल बरसाओ तेरा महबूब आया। 9% आबादी अखिलेश जी का बिरादर और 20% इजहार जी का बाजा बजा वाला। हम इनसे पूछी ला कि तई अखिलेश से पूछा कि हमार वाला बजवा कब बजेगा। बात समझ में आवत हो कि 4 वर्ष सरकार सामाजिक न्याय की बात करते हो, सामाजिक न्याय में सिर्फ यादव आता है। 4 बार में अगर 4 जाति को मुख्यमंत्री बनाए होते तो मैं मानता कि तुम सामाजिक न्याय की बात करते हो। सामाजिक न्याय की बात करने वाले 1 जाति का काम करोगे इसको हम बर्दाश्त नहीं करते। सामाजिक न्याय के दायरे में हम सभी लोग आते हैं, सबको हिस्सा चाहिए। आज मोदी जी जब राशन गरीबन के घरे पहुंचाता तो सपा वालों के पीरा था कि बिचवा में हमने लूटत रही तो ना लूटा था, अब का करी। अजय लूटे बदे तैयार बात है योगी जी का बुलडोजरों तैयार। इसी उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, इसी से सपा वाले परेशान हैं कि भाजपा की सरकार में दंगे नहीं हो रहे, कर्फ्यू नहीं लग रहे हैं, हमारी पार्टी कैसे चलेगी, इस बात को लेकर परेशान है। 6.5 साल हो गया, एक भी दंगा नहीं हुआ, एक जगह भी कर्फ्यू नहीं लगा, छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए। साथियों मैं आपको दावे के साथ कहता हूं आप घबराओ नहीं, अब्बे तो मजा है। हाँ बताओ, जब पपीता लगावा बड़ा का होला जब फूला लगाला तो हमारे पूर्वांचल में लोग कहला मर खर्चाली ठोक दे। खर्चाली समझे थे का कहला हो है सुनी, जब पपीता में ठोका लगा कहला मेघ हमारे यहाँ खर्चाली कहल जाला, बसवा का फार कोई में ठोका लो, समझ में आ गए ना। ये हम खर्चाली ठोकर थे, हमें बतावल बा कि जब पपीता न फरे समाजवादी पार्टी रूपी जब पपीता ना फरल हमने बदे तो भारतीय समाज पार्टी रूपी खर्चाली बना के जब ठोकर थी तो समाजवादी पार्टी के पीरा था। फरबा घबरा मा हिस्सा लुटबा तू लोग अच्छी लई बा की ओम प्रकाश राजभर गड़बड़ करे, तुमन कह दो अपने आका से ये राजभर का चैलेंज है, हिस्सा चाहिए। खम्मा तो हिलबे करी जबले हुरल न जाई, हिस्सा तब तक ना मिली जब तक सब लोग मिलके लड़ल न जाए। बोला लड़ाई हुई कि ना हुई? हुई ना, तो देखा टाइम हो गई बा, उधर बसियों वाले परेशान बाएं है ना, फोन पर फोन चापे हैं, इधर आपको लोग के घरे जाए के बा टाइम होत बा। लेकिन आप सोच ले कि ओम प्रकाश राजभर के 23 साल हो गए, हम कबो बिहार कबो बंगाल कबो महाराष्ट्र कभी तमिलनाडु कभी केरल कभी आंध्रा कभी दिल्ली कभी गुजरात कभी यूपी, हम तक गांव गांव घूम के अलग जगह थे। हमारे साथी ने एक एप्लीकेशन दिया लखीमपुर खीरी के कि ये गांव है कैलारा लिखा है कि का लिखा है साथी, ये मूर्ति के संबंध में दिया है। जोरदार ताली बजा के साथी का स्वागत करिए। यहाँ जितना जने आयल हुआ ये बतावा अगर मूर्ति लगवाओ बदे 100 रुपया हम मांगी तो दे सकेला? के दे हाथ उठावा देवा ना, देखा जाते ठीक ठाक है वो 500 कह दी है ना। हम अपने बदे नहीं, हम रुपया दे जितना रुपया चाहिए उतना रुपया हमसे ला मर दे, समझे थे ना। एक नहीं 10 मूर्ति लगवाओ, जमीन इक्वायर करो, जमीन दो, मूर्ति हम लगवाने का काम करेंगे, वहां ये तैयारी करो। हम तो चाहते तू लोग खाली जमीन दा माल तो हम दे,
बोला माल चाहिए कि नहीं चाहिए, कितना जने के चाहिए। तो देखा जितना घटी उतना माल हम, जितना माल घटी उतना माल हम दे दे, और घटी तो मंत्रियों जी के पकड़ ले। ऐसा ही उत्तर प्रदेश में सब मंत्री जी चाहत हो कि नहीं भाई, जो वंचित शोषित लोग हैं उनका उत्थान। मुख्यमंत्री जी भी, योगी आदित्यनाथ जी भी चाहत हुन कि गरीब कमजोर लोगों का उत्थान। माननीय नरेंद्र मोदी जी भी चाहत हुन गरीब कमजोर लोगों का उत्थान। तो जितना माल चाहिए आप लोग ना जा पाइबे, हम तो जा पाइब ना। वहां जाके ललकारा भाट खबरदार ज्यादा नहीं, खाली मूर्ति 20 को बनवावे के हम माल दे दे, मिल जाए हम तो ले लेंगे भैया। आप लोग तैयारी करो। एक बात आपको आखिरी बता रहा हूं, अपने अपने रिश्तेदारी हम चाह चला कि एक बार तैयारी करो। ये धान उनकट गया, अब गेहूं कटे के पहले कौनो मैदान देखो बढ़र। हाँ हम जुगाड़ बनावे थे, हम चाहते ज्यादा नहीं, हिया एक एक विधानसभा से खाली 10-10 हजार लोगों के जुटे के, खाली भरदोई से 10-10 हजार लोगों के जुटे के हैं। तो बोला एक के बदे तैयारी करल जा। देखा लड़ाई अगर लड़े के हो तो आंधी और तूफान की तरह निकलो, आंधी और तूफान की तरह निकलो। अपने अपने रिश्तेदारी फोन करके बताओ कि नेता ने ललकार दिया है 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और अपना हिस्सा लेने के लिए ओम प्रकाश राजभर तैयारी कर दिया है। हम तो हुआ मुख्यमंत्री जी से भिड़ल रह, बोला भिड़ल रह कि नहीं भिड़ल रह तोरे बदे भाई, रहली ना 2 साल चापी चापा करते रहली के करे बदे तो ही लोग बदे ना। अब हम चाहते लगे तू लोग तैयारी काली करा। तो मुख्यमंत्री के संगे संगे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के भी हम लोग लिया के दिखा दे कि देखा यह लोग कोई चिंता नहीं रहा। जिस दिन साथी जब आपको लोग जान जाएंगे कि आपकी आबादी कितनी है, आप किन किन विधानसभा किन किन लोकसभा में हो, उस दिन तुझे हिस्सा देने के लिए मजबूर हो जाएंगे लोग। खाली अपनी ताकत पैदा करो। इस ताकत को पैदा करने के लिए आप पीला झंडा नहीं पकड़े होते, आप बताओ अलग पहचान होती नहीं होती नहीं। आज बताओ हमारे राममूर्ति जी, हमारे राममूर्ति जी यही हैं, ये राममूर्ति जी हैं। हम लखीमपुर खीरी 14 तारीख को जाएंगे, हैं 14। यहाँ जो हमारे नेता लोग हैं हम अकेले आएंगे, हम चूंकि जाएंगे 10 को बिहार रहेंगे, उधर से घूमते घामते हम आएंगे। तो नेता लोग जाके वहाँ, मनोज जी आप भी चले जाओ, और जो नेता हैं हमारे देवेंद्र, योगेंद्र जी आप भी चले जाओ, संजय हैं, और जितने नेता हो सब लोग चले जाओ। जाके वहाँ देखो, जो ना जागे मजे का ठंडी परत और बढ़ जाए। एक लोटा पानी सुत्ता ला तो छिड़क दे, सुत्ता ला तो फेंक बल्टी के पानी की, कैसे ना उठ गए इतना नहीं। जगाओ इनको, जगा करके साथी हिस्से की लड़ाई है। हमको अपने बेटा बेटी को हर जिले में सिपाही दरोगा बाबू चपरासी तहसीलदार बना करके दिखाना, इस लड़ाई को आगे बढ़ाना, कानून बनाने की तैयारी। हम तो लड़ेंगे, माननीय मंत्री जी बैठे हैं, जब ये देश में एक देश एक राशन कार्ड का कानून बन सकेगा, एक देश एक चुनाव का कानून बनाने का तैयारी हो सकेगा, तो एक देश एक समान शिक्षा का भी कानून ये देश में पास हो सकता है। ये लड़ाई माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगी। जो उन पढ़ाई गरीबन के प्राइमरी में कैसे कबूतर, अमीरन के प्राइवेट में कैसे कंप्यूटर, तो जवन पढ़ाई अमीरन के बेटा बेटी के बा, वह पढ़ाई गरीबन के भी बेटा बेटी को होए के चाहिए। और एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा कानून बनाने की तैयारी। जे अपने लड़का लड़की के स्कूले न भेजी, जो माँ बाप अपने बेटा बेटी को स्कूल नहीं भेजेगा, ऐसे माँ बाप को जेल भेजने का भी कानून बनाऊंगा। बोलो कितने लोग तैयार हो, जरा हाथ उठाओ। थाने में दरोगा जी भाई मच्छर खूब कटिया, जेल न भेज। तैयारी कर लो, नहीं तो देख लो ओम प्रकाश राजभर तेरे लिए कैसे नहीं भेजोगे स्कूल। हम आपके बच्चे को बेटा बेटी को स्कूल भिजवा के मानेंगे।
हमारे मेजर